नमस्कार, द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी माता विमाता। 15 डाउनलोड गाड़ी के छूटने में 2-1 मिनट की देर थी। हरी बत्ती दी जा चुकी थी और सिग्नल डाउनलोड हो चुका था। मुसाफिर अपने अपने डिब्बों में जाकर बैठ चुके थे जब सहसा 2 फटेहाल औरतों में हाथापाई होने लगी। एक औरत दूसरी की गोद में से बच्चा छीनने की कोशिश करने लगी और बच्चे वाली औरत एक हाथ से बच्चे को छाती से चिपकाए दूसरे से उस औरत के साथ जूझती हुई गाड़ी में चढ़ जाने की कोशिश करने लगी। छोड़, तुझे मौत खाए, छोड़, गाड़ी छूट रही है। नहीं दूंगी, मर जाऊंगी तो भी नहीं दूंगी, दूसरी ने बच्चे के लिए फिर से झपटते हुए कहा। कुछ देर पहले दोनों औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थी, अभी दोनों छीना झपटी करने लगी थी। आसपास के लोग देखकर हैरान हुए, तमाशबीन इकट्ठे होने लगे। प्लेटफॉर्म का बावर्दी हवलदार जो नल पर पानी पीने के लिए जा रहा था छड़ी हिलाता हुआ आगे बढ़ाया। क्या बात है, क्या हल्ला मचा रही हो, उसने दबदबे के साथ कहा। हवलदार को देखकर दोनों औरतें ठिठक गईं। दोनों हाँफ रही थी और जानवरों की तरह एक दूसरी को घूरे जा रही थी। 2-1 मुसाफिरों को गाड़ी पर चढ़ते देखकर बच्चे वाली औरत फिर गाड़ी की ओर लपकी, लेकिन दूसरी ने झपट कर उसे पकड़ लिया और उसे खींचती हुई फिर प्लेटफॉर्म के बीचों बीच ले आई। लटकते से अंगों वाला काला दुबला सा बच्चा औरत के कंधे से लगकर सो रहा था। औरतों की हाथापाई में उसकी पतली लमूत्री सी गर्दन कभी झटका खाकर एक ओर को लुढ़क जाती, कभी दूसरी ओर को, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं टूट रही थी। मत हल्ला करो, क्या बात है, हवलदार ने छड़ी हिलाते हुए चिल्लाकर कहा और अपनी पतली बैत की छड़ी दोनों औरतों के बीच खोसकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जो औरत बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी उसने अपनी बड़ी बड़ी कातर आंखों से हवलदार की ओर देखा और तड़प कर बोली, मेरा बच्चा लिए जा रही है, नहीं दूंगी मैं बच्चा। और फिर एक बार वे बच्चा छीनने के लिए लपकी। गाड़ी छूट रही है नासपीटी, छोड़ मुझे, बच्चे वाली औरत ने चिल्लाकर कहा और फिर गाड़ी के डिब्बे की ओर जाने लगी। हवलदार ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। इसका बच्चा क्यों लिए जा रही है, हवलदार ने कड़क कर कहा। इसका कहाँ है, बच्चा मेरा है, वह कहती है मेरा है, बोलो किसका बच्चा है। मेरा है, दूसरी छोटी उम्र की औरत बोली और कहते ही रो पड़ी। रूखे अस्त व्यस्त बोलों के बीच उसका चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन आंखों में अब भी डर समाया हुआ था। बदहवास और व्याकुल वह फिर बच्चे की ओर बढ़ी। हवलदार जल्दी से जल्दी झगड़ा निपटाना चाहता था। बच्चे वाली औरत से बोला, बच्चा इसके हवाले कर दो। क्यों दे दूं, बच्चा मेरा है, तेरे पेट से पैदा हुआ था। बच्चे वाली औरत चुप हो गई और घूर घूर कर दूसरी औरत को देखने लगी। बोल, तेरे पेट से पैदा हुआ था, हवलदार ने फिर गुस्से से पूछा। पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या, दूध तो मैंने पिलाया है, पिछले 7 महीने से पिला रही हूं। दूध पिलाया है तो इससे बच्चा तेरा हो गया, बच्चे को जबरदस्ती लिए जा रही है। जबरदस्ती, जबरदस्ती क्यों ले जाऊंगी, मेरे अपने बच्चे सलामत रहे, इसी से पूछ लो, डायन सामने खड़ी है। फिर दूसरी औरत को मुखातिब करके बोली, कल मुंह ही बोलती क्यों नहीं, मैं तेरे से छीन के ले जा रही हूं। हवलदार जी, इसने खुद बच्चे को मेरी गोद में डाला है, यह तो इसे जन कर घूरे पर फेंकने जा रही थी, मैंने कहा कि ला मुझे दे दे, मैं इसे पाल लूंगी, तब से इसे मैं पाल रही हूं, यह मुझे यहां छोड़ने आई थी, यहां आकर मुकर गई। हवलदार दूसरी औरत की ओर मुड़ा, तूने इसे खुद दिया था बच्चा। युवा औरत की बड़ी बड़ी उद्भ्रांत आंखें कुछ देर तक दूसरी औरत की ओर देखती रही, फिर झुक गई। दिया था, पर बच्चा मेरा है, मैं क्यों दूं, मैं नहीं दूंगी,
और निसहाय सी फिर दूसरी औरत की ओर देखने लगी। पहले जो आंसू आंखों में फूट पड़े थे घबराहट के कारण फौरन ही सूख गए। तूने दिया था, अब क्यों वापस लेना चाहती है? कातर नेत्र फिर एक बार ऊपर को उठे और उसका सारा बदन कांप गया। यह इसे परदेश लिए जा रही है, और कहते कहते वह फिर रो पड़ी। मैं सदा तेरे पास पड़ी रहूं? बच्चे वाली औरत बाहें पसार पसार कर आसपास के लोगों को सुनाती हुई बोलने लगी, मेरे डेरे वाले सभी लोग चले गए हैं, यह मुझे छोड़ती नहीं थी, कहती थी 10 दिन और रुक जा फिर चली जाना, 5 दिन और रुक जा चली जाना, करते करते पूरा महीना हो गया, मैं यहां कैसे पड़ी रहूं? आज गाड़ी चलने लगी तो कल मुंह ही मुकर गई है। यह तेरे रिश्ते की है? हवलदार ने पूछा। रिश्ते की क्यों होगी जी, यह काठियावाड़ की है, हम बंजारे हैं। तू गाड़ी में कहां जा रही है? फिरोजपुर जी। वहां क्या है? हम बंजारे हैं हवलदार जी, पहले हमारे लोगों ने यहां जमीन ली थी, पूरे 2 साल हलवाही की है, अब हमें फिरोजपुर में जमीन मिली है, हमारे सभी लोग चले गए हैं, पर यह मुझे छोड़ती ही नहीं थी। हवलदार द्विधा में पड़ गया, एक ने जनकर फेंक दिया, दूसरी ने दूध पिलाकर बड़ा किया। बच्चा किसका हुआ? तेरे घरघाट का कोई नहीं है जो अपना बच्चा इसे दे दिया? तू रहती कहाँ है? हवलदार ने बच्चे की माँ से पूछा। यह कहाँ रहेगी जी, पुल के पास फूस के झोपड़े हैं, यह वहीं पर रहती है, हम भी वहीं पर रहते थे, यह मेरी पड़ोसी है जी, मजूरी करती है, इसकी तो नाल भी मैंने काटी थी। बच्चे की माँ उद्भ्रांत सी अपने बच्चे की ओर देखे जा रही थी, लगता जैसे वह कुछ भी सुन नहीं रही है। इसका घरवाला कहाँ है? इसका घरवाला कोई नहीं है जी, यह तो मर्दों के पीछे भागती फिरती है, कोई इसे बसाता नहीं, इसका घर बार होता तो ये बच्चे को जनकर फेंकने क्यों जाती? इतने में गार्ड ने सीटी दी, भीड़ में से छटकर लोग अपने अपने डिब्बों की ओर जाने लगे। बंजारन भी डिब्बे की ओर घूमी, बच्चे की माँ ने आगे बढ़कर उसके पांव पकड़ लिए। मत जा, मत ले जा मेरे बच्चे को, मत ले जा। कुछ एक लोगों को तरस आया, हवलदार ने दृढ़ता से आगे बढ़कर बंजारन से कहा, बच्चा वापस दे दे, अगर माँ बच्चा नहीं देना चाहती तो तू उसे नहीं ले जा सकती। हवलदार की आवाज में दृढ़ता थी, बंजारन को इस निर्णय की आशा नहीं थी, वे छटपट आ गई। मैं क्यों दे दूं जी, अपने बच्चे को भी कोई देता है, किसको दे दूं, इसका घर है ना घाट। गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी करो, बच्चा माँ के हवाले करो वरना हवालात में दे दूंगा, हवलदार ने अब की बार कड़क कर कहा, और औरत घबरा गई और किम करता वह विमूढ़ सी आसपास खड़े लोगों की ओर देखने लगी, फिर अपनी साथिन की ओर देखकर चिल्लाकर बोली, हराम जादी कुतिया यहां आकर मुकर गई, ले बेगैरत, ले संभाल, फिर कहना दूध पिलाने को, जहर पिलाऊंगी इसे भी और तुझे भी, 7 महीने तक अपने बच्चे का पेट काटकर इसे दूध पिलाया है, और झटक कर बच्चा उसके हाथ में दे दिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने बच्चा छाती से लगा लिया, बच्चे के मिलते ही वह भी ममता की मारी रोने लगी। अजीब तमाशा था, दोनों औरतें रोए जा रही थी, दोनों एक दूसरे की दुश्मन, दोनों एक ही बच्चे की माताएं। बेघर लोगों को न हंसने की तमीज होती है न रोने की, और कलह का कारण दुबला पतला पित का मारा बच्चा अब भी मुट्ठियां भीचे सो रहा था। बंजारन गालियां बकती रोती बड़बड़ाती गाड़ी में चढ़ गई। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया है, यहां से चली जाओ फौरन। हवलदार ने सोए बच्चे की पीठ पर छड़ी की नोक रखते हुए धमकाकर कहा, फौरन चली जाओ यहां से। बच्चे को छाती से चिपकाए माँ पीछे हट गई, भीड़ बिखर गई। डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन अभी भी चिल्लाए जा रही थी, कंजरी हरामजादी, तूने इसे जनते ही क्यों नहीं मार डाला,
जब भी मार डालेगी तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा, ना स्पीटी। बच्चे ने गोद पहचान रखी थी। या तो यह कारण रहा हो या हवलदार की बैत की नोक लगने के कारण बच्चा जाग गया और अपनी नन्नी नन्नी मुट्ठियों से पहले तो अपनी नाक पीसने लगा, फिर आंखें, और थोड़ी देर के बाद अपनी मुट्ठी मुंह में ले जाकर चूसने लगा। औरत अभी भी उद्भ्रांत सी पीछे हट गई और प्लेटफार्म की दीवार के साथ जा खड़ी हुई। बच्चा दूध के धोखे में अपनी मुट्ठी चूसता रहा, पर दूध ना मिलता देख बिल्कुल जग गया और दोनों टांगे जोर जोर से पटक कर रोने लगा। माँ ने उसे दाएं कंधे से हटाकर बाएं कंधे के साथ सटा लिया, लेकिन बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा। माँ परेशान हो उठी, कभी बच्चे को एक करवट उठाती, कभी दूसरी, कभी दाएं कंधे पर उसका सिर रखती, कभी बाएं पर। बच्चे का रोना सुनकर डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन फिर चिल्लाने लगी, मार डाल, तू इसे मार डाल नास पीटी, इसे जहर क्यों नहीं दे देती? दोपहर से इसके मुंह में दूध की बूंद नहीं गई, बच्चा रोएगा नहीं। हवलदार छड़ी झुलाता वहां से जा चुका था। दो एक कुलियों को छोड़कर डिब्बे के सामने कोई नहीं था। दूर पीछे की ओर नीली वर्दी वाला गार्ड हरी झंडी दिखा रहा था। गाड़ी ने सीटी दी और चलने को हुई। बच्चा रोए जा रहा था। माँ ने अपने फटे हुए कुर्ते की जेब में से मूंगफली के कुछ एक दाने निकाले और बच्चे के मुंह में ठूसने लगी, ना स्वीटी, यह क्या उसके मुंह में डाल रही है? मेरे बच्चे को मार डालेगी, कसाइन कंजरी। और घूम कर पहले एक छोटा सा टीन का बक्सा और फिर छोटी सी गठरी प्लेटफॉर्म पर फेंकी और बड़बड़ाती गालियां बकती हुई गाड़ी पर से उतर आई। हरामजादी, मेरी गाड़ी छुड़ा दी, मौत खाए तुझे नास पीटी। गाड़ी निकल गई। एक एक करके कुली स्टेशन से बाहर चले गए। प्लेटफॉर्म पर मौन छा गया। हवलदार अपनी गश्त पर दूर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे तक पहुंच चुका था, लेकिन जब छड़ी झुलाता हुआ वह वापस लौटा तो प्लेटफॉर्म के एक कोने में दीवार के साथ सटकर वही दोनों औरतें बैठी थीं। बंजारन अपनी गोद में बच्चे को लिपटाए उसे अपने आंचल से ढके दूध पिला रही थी और पास बैठी बच्चे की माँ धीरे धीरे अपने लाडले के बाल सहला रही थी। तो अभी आप सुन रहे थे भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी माता विमाता। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी सुनाई हुई कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।